नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और आप मुझे देख रहे हैं सीजी संदेश में। आज मैं पहुंच चुकी हूं देश के प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है खल्लारी माता मंदिर। यह एक दर्शनीय स्थल है और इसकी दूरी लगभग महासमुंद से 25 किलोमीटर की दूरी है इसकी। और यहाँ पे दो सुविधा है आने की, रेल और बस दोनों की सुविधा यहाँ है, जिससे आप यहाँ पे आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बताते जाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है देखने लायक। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको चढ़ के जानी होगी और तब आप माता के दर्शन कर पाएंगे। 842 लगभग यहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं। जैसे तो यहाँ पे आपको आसपास दुकानें मौजूद दिखेंगी, आगे और भी दुकानें हैं। यहाँ पे एक दुकान मौजूद है जहाँ पे आपको माता को चढ़ाने के लिए नारियल और बाकी चीज़ों की आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खाने की भी सुविधा आपको मिलेंगी, जिससे अगर आप नहीं लेके आ पाए हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राज्य सरकार, जो हमारी भूपेश सरकार है, वहाँ पे एक रोप वे तैयार कर रही है, जिससे आपको सीढ़ी जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो उससे आपको सहूलियत मिल जाएगी। आप सीढ़ी नहीं चढ़ के रोप वे में जा सकते हैं। जैसे आप चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको मंदिर, गुफानुमा एक मंदिर दिखेगा, जो यहाँ पे एक माता विराजमान है। जैसे कि मैं आपको अंदर जाके दिखाना चाहूँगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो एक जूम करे थोड़ा सा, और माता मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक माता का मंदिर है, जो यहाँ पे लोग यही सब देखने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। जैसे कि आप यहाँ से, कैमरामैन को मैं बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ से दिखाएं एक पूरा, ये एक व्यू जो हमारे व्यूवर्स को है, आप एक पूरा व्यू दिखाएं। मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो लाल कलर के कपड़े में आपको दिखेंगे, तो मैंने इनको रोक लिया है और मैंने इनसे पूछा है कि आप लोग ये लाल कलर के कपड़े क्यों पहने हैं। तो इन्होंने मुझे बताया है कि ये यहाँ पे भजन गाते हैं। यहाँ एक पास ही गांव है जहाँ से ये लोग हर रविवार को आते हैं और भजन गाते हैं। ये लोग खुद ही बताएंगे यहाँ आके ये क्या क्या करते हैं। सर बताइए। हम लोग गाँव से आते हैं जी, और माता रानी के मत अनुसार भजन गाते हैं, हर रविवार को ये प्रोग्राम देते हैं, बस यही काम करते हैं। तो एकाद, जैसे हम लोग यहाँ मौजूद हैं तो एकाद अगर आप गीत वीत जो थोड़ा बहुत हमको भी सुना सके, और माता रानी यहाँ से सुन सके, वहाँ तक उनके आवाज़ पहुँच सके, अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत सुनाना चाहेंगे तो। कर ली तैयारी माता के भजन, कर ली तैयारी माता के भजन, कर ली तैयारी माता के भजन, कर ली तैयारी माता के भजन रे मनवा, कर ली तैयारी माता के भजन, माता के भजन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आएंगे रविवार को आइए, और ये बहुत ही मधुर भजन ये लोग गाते हैं। दुर्गा सेवा समिति के ये लोग हैं, बहुत ही मधुर भजन गाते हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं, वो भी सिर्फ आप रविवार को ही। ये गाने का, ये आप भजन का आप लुफ्त ले सकते हैं सिर्फ रविवार को। बाकी दिन ये लोग नहीं आ पाते हैं, तो सिर्फ आप रविवार को आइए और ये भजन का आनंद उठाइए, लुफ्त उठाइए। हमारे हिंदू समाज का एक बहुत ही, कहा जाए, माता का स्थान इस संसार में सबसे बड़ा होता है जी। और खल्लारी माता उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म के अधिष्ठात्री माता है, उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस पे हमें एक बुजुर्ग दादी अम्मा मिली हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ कब से दुकान लगा रही हैं और यहाँ पे लोग का क्या, कितना, कब कब लोग यहाँ आते हैं और क्या क्या यहाँ सारी चीज़ें हैं, ये हमको बताएंगी। कोई तादाद नहीं रहा है। काबर सभी दादी रुपया पा गए, सवे रुपया पा गए, कभी दसे बीस। तो गुजारा हो जाते कि नहीं होते? अब हो या घर मत हो, बैठे हैं गाड़ी ठीक है। माता रानी खाली तो नहीं भेजे, नहीं भेजे तो इतना नहीं चले, 10 रुपया धर के भेजी
आशा लगा के बैठे रहते। जैसा ये बता रही हैं कि माँ की मान्यता है, माँ कभी खाली हाथ नहीं भेजती, इनका कहना है ये कभी भी आप 1 रुपए या 10 रुपए जो भी लेके जाए माँ के द्वार से ये लेके ही जाती हैं। तो यहाँ पे एक आंटी मौजूद है जिनसे मैं पूछना चाहूँगी कि वो कहाँ से आई हैं और कितनी दूरी से माता का दर्शन करने के लिए आई हैं। आंटी आप बताएं आप कहाँ से आई हैं? रायपुर, पुरेना रायपुर से। अच्छा, तो आपके परिवार के साथ आप आई हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और काफ़ी आपने सुना होगा इस मंदिर के बारे में, पहले से सुनी हुई कि किसी के? पहली से सुनी हुई है, वो आगे हम बार-बार। अच्छा, हमेशा आपकी मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती? हाँ। हुई है। हाँ। यहाँ पे बंदर भी मौजूद है और ये अगर आप यहाँ पे, यहाँ की एक खूबसूरती है ये, अगर ये बंदर नहीं रहेंगे तो ये माता का मंदिर यहाँ पे बोलते हैं पूरा नहीं होता है। यहाँ पे बंदर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक बंदर भी मौजूद है, लगभग बहुत सारे बंदर होंगे लेकिन फ़िलहाल हमें एक ही बंदर दिख रहा है। और ये अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये आपको हानि पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनसे प्रेम से इनको कुछ खाने के लिए देंगे तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जब भी आप यहाँ पे इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेके आएँ। जो प्रकृति से अपने आप को करीब महसूस करते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे आपको शांति मिलेगी, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरा हरा भरा है और यहाँ से आपको ये खूबसूरत नज़ारा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको खूबसूरत ये नज़ारा, ये खूबसूरत ये वादियाँ, जब यहाँ पे बरसात होगी, जब यहाँ पे मानसून लगभग अभी आ चुका है, तो यहाँ पे और ये खुशनुमा ये दृश्य आपको देखने मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो प्रकृति के करीब है, जो नेचर के करीब है, वो यहाँ पे ये सब देखने के लिए आ सकता है। पूरा व्यू, ये पूरा व्यू अलग ही शांति का प्रतीक दिखा रहा है, ये अलग ही सुकून, अलग ही पीसफुल आपको दिखाएगा। आपको जब भी आप भीड़ भाड़ सिटी से थक चुके होंगे तब आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये दृश्य का आप लाभ उठा सकते हैं और आपको शांति मिलेगी। और जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हुए आएंगे तो अगर आपको प्यास लग जाती है तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी की गई है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। अगर आप सीढ़ी चढ़ के आएँ तो आप थक चुके हैं तो आप पानी भी यहाँ पे पी सकते हैं। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो एक आध आपको बैठने की व्यवस्था के साथ साथ पानी की व्यवस्था भी की गई है। आगे और चढ़ाई है, हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। जितनी भी चढ़ाई है सीढ़ी, जितनी भी 800 करीबन, लगभग 800 की सीढ़ियाँ, मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी। जैसे ही आप करीब माता के मंदिर के करीब पहुँचने लगते हैं तो आपको यहाँ पे एक वेद व्यास महाराज जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी। साथ ही ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। यहाँ से लगभग बहुत ही करीब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं माता के मंदिर में। मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि माता का मंदिर कैसा है, ताकि आप यहाँ पे आ सके दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ पे साथ में एक, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो ये खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक वेद व्यास जी की मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 842 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, अब वो सीढ़ियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। 842 सीढ़ियाँ मैंने चढ़ के माता के मंदिर के करीब पहुँच चुकी हूँ और ये मंदिर का ये घंटी है जिसको मैं बजा चुकी हूँ। यही खल्लारी माता मंदिर है जिसका दर्शन करने मैं रायपुर की दूरी तय करके यहाँ महासमुंद पहुँची हूँ। और मैं ये आपको मंदिर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनाना लगभग मना है, इसलिए मैं बाहर द्वार पे खड़े होकर ये फ़ोटो और वीडियो लगभग कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दूर से ही दिखाऊँगी, यहाँ पे देखेंगे कि भजन और कीर्तन जो माता रानी का चल रहा है। अंदर आगे मैं कैमरामैन को बोलूँगी थोड़ा सा अगर जूम कर पाए, वैसे तो दिखेगा नहीं, फिर भी अगर आपके लिए थोड़ा सा क्विक व्यू अगर दिखाना चाहूँगी तो दिखा सकती हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि माता का मंदिर मेरी उंगली के सामने नजर आएगा आपको। और ये है खल्लारी माता मंदिर जिसका दर्शन करने आप आ सकते हैं। ये पूरा व्यू है, यहाँ पे भारी मात्रा में श्रद्धालु आपको दिखेंगे। यहाँ पे मंदिर है, घंटी है और लगभग सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आप कहीं भी हो, देश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल अगर मैं कहना चाहूँगी तो ये खल्लारी माता मंदिर है और आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। तो ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ बोलने से चारों तरफ ही आपको हरियाली नजर आएगी। और जब आप पहुँचेंगे तो हरियाली के साथ साथ ये जो ताज़ी हवा यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ, मेरे चेहरे पे एकदम ताज़ी और शुद्ध हवा जो मेरे चेहरे पे आ रही है, ये आपको यहाँ पे आने के बाद आपको महसूस होगी। फिलहाल ये मैं
मैं महसूस कर पा रही हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आप पहुँचेंगे, चट्टान नुमा एक ये है, मैं इसको चढ़ने की कोशिश करती हूँ फिलहाल पे, और मैं आपको यहाँ का इतिहास एक बार दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ का इतिहास, आप आएंगे तो ये पढ़ सकेंगे, ये पढ़ने के लिए है पूरा। आप यहाँ के इतिहास के बारे में जान जाएंगे, जो भी यहाँ का इतिहास है आप यहाँ पे जान जाएंगे। मंदिर से नीचे उतरेंगे तो आपको ये गुफानुमा, ये गुफानुमा एक जगह ये है जिसमें आपको एक यहाँ पे शेर की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये पूजनीय है, इनकी यहाँ पूजा की जाती है। मैं आपको खल्लारी माता मंदिर का कुछ इतिहास बताना चाहूंगी। खल्लारी माता मंदिर को पहले खल वाटिका कहा जाता था। महाभारत युग में कहा जाता है यहाँ पांडव आए थे, अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पांडव पहुँचे थे, और इसका सबूत मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं अभी एक चट्टान पे बैठी हूँ और यहाँ पे आपको पानी भरा हुआ चार गड्ढे आपको दिखेंगे, और ये गड्ढे नहीं है, ये महाभारत का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगी। और यहाँ पे एक बच्चा है जो आपको कुछ बताना चाहेगा। आओ। एक गधा के निशान है, भीम के था और मारी के था। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ के इतिहास के बारे में आपको यहाँ की जानकारी आपको यहाँ के छोटे छोटे बच्चे तक दे सकते हैं। ये सुना हुआ है और ये यहीं का है, इसे लगभग पूरी जानकारी, ये जो कि मुझे नहीं पता था, इस बच्चे को पता है। इसने बताया कि ये गधे का ये निशान है और ये दोनों पाँव के निशान है बेटा। और वो कौन सा निशान है? और ये माड़ी का निशान है, घुटने का निशान। माड़ी यानी यहाँ कहा जाता है घुटने का निशान। क्या नाम है तुम्हारा? नागेश। मुझे बता रहा है कि ये किसका निशान है? ये अंगूठे का निशान है, ये अंगूठे का निशान है, ये देख सकते हैं आप। और ये इतना गहरा है, 10 फीट का ये गहरा है, ये मुझे बता रहा है। इसको इतनी जानकारी मैं खुद एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे को पता है। और इसने मुझे काफी कुछ चीजों के बारे में बताया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको दिखेगा। भीम पद चिन्ह ऐसा, भीम पाव ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बच्चा हमें वहाँ पे ले जा रहा है जहाँ के बारे में ये बता रहा है। ये यही का है, इसलिए इसको पूरी जानकारी है यहाँ के बारे में। जैसा मैं इसके पीछे पीछे जा रही हूँ, ये मुझे बताएगा बाकी सारी चीज़ें। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक हाँ बेटा बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये भीम चूल है, चावल का पसिया जो बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ये वो है। और ये चूल्हा है, जब पांडव सारे पांच पांडव जब यहाँ आए होंगे, राम भगवान आए थे। और ये बच्चा बता रहा है यहाँ राम भगवान भी आए थे। ये भीम चूल है, यहाँ पे भीम जी खाना बनाते थे, ये वो जगह है। और यहाँ पे राम जी भी आए हुए थे, ये बच्चा बता रहा है। इस बच्चे को काफी यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी है। जब भी अगर आप आएंगे तो नागेश आपको यहाँ पे मिल सकता है, तो आप नागेश से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नागेश को लगभग सारी चीजों के यहाँ के बारे में पता है। नागेश हमें और कहीं भी ले जा रहे हैं, नागेश के पीछे पीछे जाएंगे हम। नागेश आगे क्या है बेटा? सीत बाबा गुफा। और मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ सीत बाबा गुफा के अंदर, और ये नागेश ने हमें पहुंचा दिया है सीत बाबा गुफा के अंदर। और ये गुफा है, ये गुफा के साथ साथ ये सुंदर दृश्य। मैं नागेश से यहाँ के थोड़ा सा इतिहास के बारे में, जो कि नागेश को पता होगा वो नागेश बताएगा। नागेश, ये सीत बाबा यहाँ क्यों, ये सीत बाबा यहाँ पे क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और ये इनकी मान्यता क्या है बेटा? सिद्धगिरा।
सेब गिराते हैं, आकाश की बूंदे यहाँ पे ये गिराते हैं, इसलिए इनका शीत बाबा नाम पड़ा है। जैसे कि नागेश हमें और कुछ भी ये राम भगवान की प्रतिमा जो है और ये ढोंगा पत्थर के बारे में कुछ और जानकारी बताएगा जो रामायण के समय की है और ये नागेश हमें बताएगा। नागेश वनवास आदि समाप्त है, समुद्र पार कर कार्य समाप्त है, नाव है और रावण लंका ले गए सीता माता सिंहा लाने से नाव। अच्छा ये तब मढ़ाई नाता पत्थर बने। अच्छा ये तब का पत्थर है। नागेश कह रहा है कि ये वो पत्थर है जब सीता माता को राम भगवान वापस लेके आए थे जिस नाव से, ये वही नाव है, इसी को इसलिए डोंगा पत्थर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में डोंगा यानी नाव को कहा जाता है, जैसा कि नागेश हमें बता रहे हैं। तो ये डोंगा पत्थर के नाम से ये तब का पत्थर है और ये अभी तक यहाँ पे विराजमान है। आगे आएंगे, जब भी आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नगाड़ा पत्थर करके एक चट्टानों का दिखेगा और ये नीचे इसको नगाड़ा पत्थर कहते हैं। इसको बजाने से नगाड़े जैसी आवाज आती है, ऐसा हमें नागेश बता रहा है। नागेश हमें बजा के भी दिखाएगा, अब ये हमें बजा के दिखाएगा कि आवाज कैसी आती है, आप सुनना। अच्छा ठीक है, नागेश हमें कह रहे हैं इस तरफ आए हैं और मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। जैसा कि आप सुनेंगे ये नगाड़े जैसी आवाज आपको समझ आ रही होगी, मैं भी बजा के देखना चाहूंगी। जैसा कि मैं बजा रही हूँ इस वक्त ये पत्थर को, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आवाज है ये नगाड़े की नुमा जैसी आवाज आपको दिखेगी, इसीलिए इसे कहते हैं नगाड़ा पत्थर, इसीलिए इसका नाम। ये भी एक दर्शनीय स्थल टाइप का जिसको आप देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे आप पिकनिक भी मना सकते हैं और यहाँ पे आने की कई वजह आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगी ये पहाड़ियाँ, ये पत्थर, ये नज़ारे, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिस वजह से आप खल्लारी माता मंदिर, खल वाटिका जिसे कहते हैं, आप आ सकते हैं। यहाँ ये इतिहास बहुत पुराना है जिसे आप छानबीन करने, देखने और सारा कुछ समझने यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी दर्शक हैं जो हाँ ये सब कुछ देख रहे हैं और ये पूरा भव्य नज़ारा, ये खूबसूरत वादियाँ, कुदरत का नज़ारा, ये सारा कुछ देखने के लिए आप, अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको पीसफुल माइंड चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये था आज हमारा पूरा वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ी रहूँगी और आप देखते रहिए cgsandesh.com। धन्यवाद।